महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा Nóis, like दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी गुरुजी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होती है संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं और संज्ञा के अंतर्गत जिन जो भेद होते हैं उनके अंतर्गत किन किन शब्दों का प्रयोग होता है दोस्तों सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा संज्ञा की परिभाषा क्या है संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे चारों ओर जो कुछ भी दिखाई दे जिसका मन अनुभव किया जा सके वो क्या कहलाती है संज्ञा कहलाती है पहले अपन क्या पढ़ते थे संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति स्थान जाति आदि के नाम को क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ अलग तरीके से यानी जैसे कि अपन को क्या हो जाए ये चीज़ याद हो जाए कि यानी संज्ञा कहते किसे हैं तो अपन ने इसकी परिभाषा क्या बनाई है संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का मतलब यहाँ किससे है संपूर्ण विश्व से है यानी हमारा जो विश्व है उसमें हम चारों ओर यानी हम जहाँ खड़े हैं तो हम अपने चारों ओर घूम करके देखें और हमें जो कुछ भी दिखाई दे यानी हमें जो कुछ दिखाई दे दृश्य के अंतर्गत आने वाली जितनी सारी वस्तुएं हमें दिखाई दे उन वस्तुओं को देखकर उनका मन से अनुभव किया जा सके यानी हमें मन हमारे मन में ये प्रश्न उठे कि ये क्या है और हमें उस वस्तु का नाम पता हो तो वो सारे नाम क्या कहलाते हैं संज्ञा कहलाते हैं जैसे कि हम खड़े हैं कहीं पर भी जैसे तो हम चारों तरफ नज़र घुमाते हैं तो अपन क्या देखते हैं पेड़ हैं पौधे पेड़ पौधे हैं पहाड़ हैं नदियाँ हैं जल है पानी है हवा है है ना जिनका अपन क्या कर सकते हैं मनुष्य अनुभव कर सकते हैं कि हवा चल रही है तो हवा शब्द है वो भी किसके अंतर्गत आता है संज्ञा के अंतर्गत आता है जैसे बर्तन है है ना ये जैसे पशु हैं पक्षी हैं है, है ना ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं संज्ञा के अंतर्गत आते हैं अब देखिए दोस्तों संज्ञा के मुख्यता कितने भेद होते हैं तीन भेद होते हैं व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक तो आप तो बोलोगे कि सर आपने क्या जाना ना यहाँ पर भेद लिख रखे हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो भेद है वो तो जातिवाचक का के ही भेद माने जाते हैं इन जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों अपन तो तो देखते हैं सर्वप्रथम यानी अपना सुसूत्र है उसको देखते हैं तो अपना सूत्र क्या है कि वे जाति भाव समूह सब द्रव्य हैं यानी वे जाति भाव समूह सब क्या है द्रव्य हैं यानी इसी सूत्र के अंतर्गत अपने सारे के सारे संज्ञा के भेद आ जाते हैं तो वे का मतलब यहाँ किससे व्यक्तिवाचक से है जाति का मतलब यहाँ जातिवाचक से है भाव का मतलब यहाँ भाववाचक से है समूह का मतलब यहाँ समूहवाचक से है और यहाँ द्रव्य का मतलब किससे द्रव्यवाचक से है तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वेग वेग का मतलब यहाँ किससे है व्यक्तिवाचक से है संज्ञा का पहला भेद कौन सा है व्यक्तिवाचक है व्यक्तिवाचक वैसे किसे कहते हैं

वार जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार वो आते हैं महीनों के नाम जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आदि इनके नाम आते हैं अखबारों के नाम जैसे दैनिक भास्कर है राजस्थान पत्रिका इत्यादि वो आते हैं रेलगाड़ी जैसे दुरंतो है न जो भी जितनी सारी रेलगाड़ियों के जो नाम होते हैं वो नाम यहाँ पर आते हैं पुराणों के नाम है महापुराण अलप प्राण रही नहीं पुराणों के नाम नहीं महाप्राण सॉरी महाप्राण अलप प्राण तो एक ध्वनि होती है सॉरी पुराणों के जो नाम है वो आते हैं वेदों के नाम है वो आते हैं पुस्तकों के नाम है वो आते हैं वो सारे किसके अंतर्गत दोस्तों जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जाति से यहाँ किस से मतलब है यहाँ जाति संज्ञा से मतलब है तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा शब्द है वो व्यक्तिवाचक के थोड़ा सा उलट होता है जैसे कि जाति व्यक्तिवाचक वा, की जो परिभाषा होती है वो आती है जैसे व्यक्ति एक किसी एक व्यक्ति विशेष किसी एक वस्तु विशेष किसी एक स्थान विशेष के नाम को क्या कहते है हैं अपन व्यक्तिवाचक तो कहते जाति जातिवाचक में क्या होता है कि ऐसे संज्ञा शब्द जो अपनी संपूर्ण वर्ग संपूर्ण वर्ग संपूर्ण जाति या संपूर्ण समूह के नाम को प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं जातिवाचक कहलाते हैं जैसे ये जैसे जातिवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये व्यक्तिवाचक के देखो यहाँ लिखा ना ये व्यक्तिवाचक के विपरीत है यानी ये थोड़ा सा उलट होता है जहाँ तक इसके अंतर्गत जातिवाचक के व्यक्तिवाचक के अंतर्गत का सवाल है तो व्यक्तिवाचक में एक व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष एक स्थान विशेष के नाम को प्रकट करने वाले शब्द आते हैं तो जातिवाचक में एक संपूर्ण वर्ग एक संपूर्ण जाति और एक संपूर्ण समूह के नाम को प्रकट करने वाले शब्द आते हैं जातिवाचक में देखिए कौन कौन से आते हैं यानी जो देश शब्द है वो खुद देश शब्द है वो किसके अंतर्गत आता है यहाँ तो देशों के नाम आते हैं और यहाँ देश शब्द आता है और यहाँ पर राज्यों के नाम आते हैं तो यहाँ राज्य शब्द आता है यहाँ जिलों के नाम आते हैं तो यहाँ जिलों जिले शब्द आता है यहाँ तहसीलों के नाम आते हैं तो यहाँ तहसील आता है और यहाँ गाँवों के नाम आते हैं तो यहाँ गाँव आता है और यहाँ पर्वतों के नाम आते हैं तो यहाँ पर्वत शब्द आता है यहाँ सागरों के नाम आते हैं तो यहाँ सागर शब्द आता है यहाँ खाड़ियों के नाम आते हैं तो यहाँ खाड़ी नाम आता है यहाँ महाद्वीपों के नाम आते हैं तो यहाँ महाद्वीप नाम आता है यहाँ वार के नाम आता है वारों के नाम आते हैं जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार यहाँ सिर्फ सिर्फ कौन सा शब्द आता, आता है वार शब्द आता है यहाँ पर महीनों के नाम आते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ये और यहाँ पर क्या आता है केवल महीने या, या महीना शब्द आता है यहाँ पर क्या आते हैं अखबारों के नाम आते हैं लेकिन यहाँ सिर्फ अखबार शब्द आता है यहाँ रेलगाड़ियों के नाम आते हैं तो यहाँ सिर्फ शब्द कौन सा आता है रेलगाड़ी आता है पुराणों के यहाँ नाम आते हैं तो यहाँ सिर्फ पुराण शब्द आता है यहाँ वेदों के नाम आते हैं तो यहाँ सिर्फ वेद आता है यहाँ पुस्तकों के नाम आते हैं किसमें व्यक्तिवाचक में तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुस्तक शब्द का प्रयोग किया जाता है यह हो गया आपका जातिवाचक इसके बाद देखिए दोस्तों भाव भाव का मतलब यहाँ किसी भाववाचक संज्ञा से है भाववाचक संज्ञा का अर्थ क्या होता है कि किसी ना किसी प्रत्यय से जुड़े शब्द बावाचक संज्ञा शब्द वो कहलाते हैं जो किसी ना किसी प्रत्यय से जुड़े होते हैं एक जिसमें कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य जुड़ा होता है वो क्या कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं जैसे दोस्तों बचपन बुढ़ापा बुढ़ापा में आपा सो प्रत्यय वो जुड़ा है अपनत्व में अपना प्लसत्व ये त्वस जो त्वस जो प्रत्यय है वो जुड़ा हुआ है बचपन में बचपन में कौन सा शब्द जुड़ा है अन प्रत्यय जुड़ा है बच्चा प्लस पन यानी कौन सा प्रत्यय जुड़ा है पन प्रत्य जुड़ा है बच्चा प्लस पन प्रत्यय अन प्रत्यय बच्चा प्लस अन पढ़ते बच्चा पन्न में कौन सा बच्चा प्लस अन्य प्रत्यय जुड़ा है बुढ़ापा में बुढा प्लस आपा जुड़ा है और अपनत्व में अपना प्लस तव जुड़ा है नोट यानी यहाँ पर नोट लगा करके मैंने कुछ और शब्द जैसे कुछ शब्द जिन में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा होता कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा होता है फिर भी वो क्या होते हैं भाववाचक संज्ञा होते हैं जैसे प्रेम है प्यार है नींद है रोग है जन्म है मृत्यु है मरण है यानी ये स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा के शब्दों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों अपन उस भाव की बात करते हैं समूह समूह का मतलब यहाँ किस है समूहवाचक संज्ञा शब्द से है तो समूहवाचक संज्ञा शब्द कौन से होते हैं समूह की स्थिति को प्रकट करने वाले शब्द जैसे कक्षा सेना दल भीड़ समाज समुदाय यानी ये किसके अंतर्गत आते हैं समूह वाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और ये किसका भेद होता है वैसे जातिवाचक का भेद होता है जातिवाचक के ही अंतर्गत आता है यहाँ पर फिर देखिए दोस्तों तो सब द्रव्य हैं सब शब्द को छोड़ दीजिए और द्रव्य का मतलब यहाँ किस है द्रव्यवाचक से है तो पदार्थ के नाम को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते है? हैं द्रव्यवाचक कहलाते हैं जैसे जिसमें सोना चांदी पारा जस्ता, पानी तेल, दूध, घी यानी जो तरल पदार्थ हैं, जो पदार्थ हैं, जो जो पदार्थ पदार्थ या फिर जो की पदार्थ के नाम को प्रकट करते हैं जिसमें कि ठोस पदार्थ भी हो चाहे सोना है चांदी है कोयला है पारा है जस्ता है शीसा है पानी है तेल है दूध है घी है इत्यादि जो नाम होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों आगे हम देखते हैं कुछ विशेष बातें होती हैं जो कि संज्ञा के भेदों से संबंधित ही होती हैं जैसे कि कई प्रकार कई क्या होता है इनमें अपवाद है। होते हैं कुछ बातें होती हैं वो अपवाद स्वरूप होती हैं तो वो बातें मैंने यहाँ पर दी है देखिए विशेष के अंतर्गत दी हैं तो सबसे पहली जो बात है वो क्या है यहाँ पर देखिए जैसे मूल व्यक्ति हो यानी मुख्य रूप से अगर कोई व्यक्ति हो समान गुण यानी उनमें जो गुण है वो सम्मान हो तो वो जातिवाचक बन जाता है क्या कर जाता है वैसे तो वो क्या बनना चाहिए व्यक्तिवाचक बनना चाहिए अगर मूल में व्यक्ति यानी मुख्य व्यक्ति हो किसी शब्द में मुख्य रूप से कोई शब्द है वो जो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता हो लेकिन उसमें सम्मान गुण हो किसके समान किस जाति वाचक के समान अगर कोई गुण हो तो वो क्या बन जाता है वो जातिवाचक बन जाता है जैसे भारत में घर घर में सीता रहती है यहाँ पर जो तो सीता शब्द है वो क्या होना चाहिए वैसे व्यक्तिवाचक होना चाहिए लेकिन हम हमने यहाँ पर इस वाक्य में प्रयोग किया तो भारत में घर घर में सीता रहती है सीता का मतलब यहाँ व्यक्तिवाचक व्यक्ति विशेष से नहीं है या जाति विशेष है ये सीता शब्द किस विशेष है जाति तो विशेष क्या हो गया ये शब्द जाति वाचक के अंतर्गत आते हैं यानी ऐसे विभिन्न प्रकार के शब्द जो कि मुख्य रूप से तो व्यक्ति हो गुण भी उनमें क्या हो गुण हो मुख्य रूप से व्यक्ति हो और उसकी उसी के समान उसमें गुण हो लेकिन अगर वो वाक्य में प्रयोग हो तो वो जाति वाचक के समान प्रयुक्त होते हो तो वो क्या कहलाते हैं जाति वाचक संज्ञा कहलाते हैं और जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं जैसे भारत में घर घर में क्या रहती है सीता रहती है यहाँ पर जो सीता शब्द है वो किसके अंतर्गत होना चाहिए था व्यक्तिवाचक के अंतर्गत लेकिन यहाँ पर वाक्य में प्रयोग होने के बाद ही क्या हो गया जातिवाचक हो गया जैसे दोस्तों दो नंबर पर जो मैंने दिया है वो क्या दिया मूल मुख्य जाती अगर मुख्य रूप से कोई शब्द है वो जातिवाचक के अंतर्गत आता हो लेकिन वो विशेष व्यक्ति हो लेकिन वो व्यक्ति क्या होता है कि एक विशेष व्यक्ति होता है तो वो किसके अंतर्गत चला जाता है व्यक्तिवाचक में बन जाता है व्यक्तिवाचक शब्द बन जाता है यानी मूल जाति हो यानी मुख्य रूप से बापू जो शब्द है वो क्या है एक जाति विशेष का शब्द है यानी कहने का मतलब एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता ये हम किसी को भी बापू बोल सकते हैं तो इसका मतलब क्या होगा जातिवाचक संज्ञा शब्द है लेकिन बापू सत्य और अहिंसा के पुजारी थे यहाँ पर अगर इसका बापू शब्द का प्रयोग अपन वाक्य में करते हैं तो यहाँ पर यह क्या बन जाता है व्यक्तिवाचक शब्द बन जाता है जैसे कि बोल के देख लीजिए बापू सत्य और अहिंसा के पुजारी थे यहाँ पर इस वाक्य में प्रयोग करने पर हमें ऐसा महसूस होता है कि ये व्यक्ति कोई विशेष व्यक्ति है यानी किसी व्यक्ति से संबंधित नाम है तो और किसी एक शब्द यानी या किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं संज्ञा शब्द में क्या कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं तो ये शब्द क्या हो गया बापू शब्द व्यक्तिवाचक हो गया इसी प्रकार देखिए दोस्तों तीन नंबर पर हमने जो दिया है भाववाचक संज्ञा हो किसी शब्द में क्या हो भाववाचक संज्ञा हो भाववाचक संज्ञा क्या होती है जिनके अंतर्गत क्या होता किसी ना किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ा होता है संज्ञा भाववाचको और बहुवचन में प्रयुक्त हो और वो क्या हो जाता है बहुवचन में अगर प्रयुक्त हो तो वो क्या बन जाता है जाति बन जाता है जैसे मोबाइल के आविष्कार से यानी एक तो क्या शब्द है दूरी शब्द है एक तो दूरी शब्द है तो, तो दूर प्लस ई ई प्रत्यय से बना है

ओ की दौनी हो और उस पर अनुस्वार लगाओ ओकारांत बहुवचन का मतलब यहाँ किस से ओ की दौनी हो और जिस पे अनुस्वार लगाओ यानी ओकारांत बहुवचन हो तो जातिवाचक बन जाता है जैसे अमीर में ओ की दौनी अमीरों, अमीरों बनना अमीरों में ओ की दौनी है ओ की दौनी में अनुस्वार लगाए ओ की यानी ओकारांत वो बन गया तो जो ओकारांत शब्द होते हैं वो किसके अंतर्गत चले जाते हैं जातिवाचक के अंतर्गत चले जाते हैं जैसे अमीरों व गरीबों की मदद करनी चाहिए यानी अमीरों गरीबों विद्यालयों है ना लेखकों यानी जो ओकारांत जो शब्द होते हैं वो किसके अंतर्गत चले जाते हैं जातिवाचक वाचक के अंतर्गत चले जाते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों